हाय गाइस वेलकम यू ऑल वंस अगेन सो आज की इस वीडियो में हम लोग पल्स विथ मॉड्यूलेटेड सिग्नल की ड्यूटी साइकिल को कंट्रोल करेंगे अपने इन दो बटन्स की हेल्प से और जो भी आप लोगों का यहाँ पर सिग्नल जनरेट होगा उससे हम लोग अपनी इस मोटर की स्पीड को कंट्रोल करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को अपनी मोटर की प्रॉपर्टीज में जाना है और यहाँ पर जो आपकी नॉमिनल वोल्टेज होगी वो 2.5 वोल्ट आप करेंगे बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू समथिंग अराउंड 12 वोल्ट होगी बट आपको इसको 2.5 वोल्ट करना है ओके सो इनिशियली जो आपकी वेव होगी उसकी ड्यूटी साइकिल जीरो परसेंट होगी अब जैसे ही आप लोग फर्स्ट टाइम इसको प्रेस करेंगे तो आप लोगों की जो ड्यूटी साइकिल है वो जीरो से ट्वेंटी फाइव परसेंट हो जानी चाहिए इसके बाद अगर आप इसको फिर से प्रेस करेंगे तो ट्वेंटी फाइव से फिफ्टी परसेंट हो जानी चाहिए अगेन आप थर्ड टाइम प्रेस करें तो सेवेंटी फाइव परसेंट हो जानी चाहिए फोर्थ टाइम अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो हंड्रेड परसेंट हो जानी चाहिए और उसके बाद अगर आप फिफ्थ टाइम या सिक्स टाइम या सेवन्थ टाइम इसको प्रेस करें तो वहां पर आपकी जो ड्यूटी साइकिल है वो हंड्रेड परसेंट ही रहनी चाहिए नेक्स्ट इसके बाद अगर आप इस बटन को प्रेस करेंगे फर्स्ट टाइम तो ये हंड्रेड परसेंट से सेवेंटी फाइव हो जानी चाहिए अगेन अगर आप प्रेस करेंगे तो सेवेंटी फाइव से फिफ्टी अगेन फिफ्टी से ट्वेंटी फाइव और ट्वेंटी फाइव के बाद जीरो और जीरो होने के बाद अगर आप इसको फिर से प्रेस करते हैं तो वो वैल्यू आपकी ज़ीरो में ही रहनी चाहिए तो इसके बाद हम लोग अपने चार्ट को देख लेते हैं सो so, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर एक काउंट नाम का वेरिएबल लेना है और इनिशियली इसको आप लोग 256 वैल्यू देंगे अगर आपको ध्यान हो तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने इसको 255 वैल्यू दी थी और यहाँ पर आप इसको 256 देंगे इसके पीछे एक रीज़न है देखिए हम लोग यहां पर जो ड्यूटी साइकिल है उसको फोर स्टेप्स में ज़ीरो से हंड्रेड तक वेरी कर रहे हैं मतलब कि ज़ीरो से हम लोग उसको ट्वेंटी फाइव कर रहे हैं ट्वेंटी फाइव से फिर उसको आप फिफ्टी कर रहे हैं फिफ्टी से देन सेवेंटी फाइव और उसके बाद हंड्रेड तो इसके बीच में आप लोगों को यहाँ पर चार स्टेप्स फॉलो करने हैं तो अगर आप लोग इस टू फिफ़्टी फाइव को फोर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है वो सिक्सटी थ्री पॉइंट सेवन फाइव आएगी तो इस वैल्यू को राउंड ऑफ करने के लिए हम लोगों को काउंट की वैल्यू को 256 रखना पड़ेगा अगर आप यहां पर वैल्यू 256 रखेंगे तो आपका ये जो वैल्यू है वो आएगी 64। तो इनिशियली हम लोगों के काउंट की वैल्यू 256 है टीसी एन टी जीरो मतलब कि टाइमर काउंटर जीरो जो है उसकी वैल्यू आप लोगों की जीरो से टू तक ही वेरी कर सकती है इसका मतलब यह है कि आप लोगों की यह कंडीशन हमेशा ट्रू होगी तो ये कंडीशन अगर आपकी ट्रू होगी तो हम लोगों की जो पल्स है वो हमेशा लो रहेगी तो आपका यहां पर जो ड्यूटी साइकिल है वो जीरो परसेंट मिलेगा अब जैसे ही आप लोगों का टी सी एन टी जीरो की वैल्यू टू फिफ्टी फाइव हुई वैसे ही हम लोगों का यहां पर इंटरप्ट जनरेट होगा और इंटरप्ट जनरेट होते ही आप लोगों का सब रूटीन या फिर आई एस आर जो है वो एग्जीक्यूट होगा सब रूटीन में सबसे पहले हम लोग बटन वन के स्टेटस को चेक करेंगे अगर आपकी ये बटन प्रेस होगी तो हम लोगों का ये जो नीचे इंस्ट्रक्शंस है वो फॉलो होंगी अगर आपका बटन वन ऑन नहीं है तो उस केस में हम लोग चेक करेंगे बटन टू को अब अगर आपका बटन टू ऑन है तो इसके नीचे की ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो फॉलो होंगी अगर वो भी प्रेस नहीं है मतलब कि आपका बटन वन और बटन टू दोनों में से कोई भी प्रेस नहीं है तो अगेन हम लोगों का जो मेन रूटीन है वो फॉलो होगा और मेन रूटीन में हम लोगों के अकाउंट की वैल्यू टू ही है तो यहाँ पर फिर से आप लोगों को जो ड्यूटी साइकिल है वो ज़ीरो परसेंट ही मिलेगी तो यहाँ पर आपका ओवरफ्लो होता रहेगा और आप लोगों के यहाँ पर बटन्स के जो स्टेटस हैं वो चेक होते रहेंगे और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो हम लोगों की ड्यूटी साइकिल है वो जनरेट होती रहेगी अब सपोज़ करते हैं जो हम लोगों का बटन वन है उसको हमने प्रेस किया है तो उस कंडीशन में आप लोगों की ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी और ये कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो हम लोग काउंट की जो वैल्यू है जो इनिशियली आपकी 256 थी उसमें से 64 हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों का जो काउंट है उसकी वैल्यू आप क्या हो जाएगी 256 फिफ्टी सिक्स माइनस तो ये आप लोगों की 192 हो जाएगी ओके okay? इसके बाद हम लोग अपने काउंट की वैल्यू चेक करेंगे कि कहीं ये आपके जीरो से बिलो तो नहीं हुई है अगर ये ज़ीरो से बिलो होगी तो आप काउंट की वैल्यू को अगेन ज़ीरो कर देंगे और फिलहाल हम लोगों का यहाँ पर ये वैल्यू 192 है तो आप लोगों की ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये कंडीशन फॉल्स होते ही हम लोगों का यहाँ पर जो मेन रूटीन है वो फॉलो होगा सो अब हम लोगों के काउंट की वैल्यू 192 हो चुकी है तो जब तक आप लोगों के टी सी एन टी ज़ीरो की वैल्यू 191 रहेगी तब तक आप लोगों की ये कंडीशन ट्रू रहेगी तो उस कंडीशन में आप लोगों का जो पल्स है वो लो रहेगी ओके सो जैसे ही आपका टी सी एन टी ज़ीरो की वैल्यू 192 होगी आपकी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और आपकी जो पल्स है वो हाई हो जाएगी और ये पल्स आप लोगों की जब तक टी सी एन टी जीरो की वैल्यू 255 नहीं हो जाती तब तक हाई ही रहेगी और अगेन 255 वैल्यू होते ही हम लोगों का यहाँ पर टाइमर ओवरफ्लो हो जाएगा और टाइमर ओवरफ्लो होते ही अगेन हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि कोई बटन प्रेस तो नहीं है अगर आपके दोनों में से कोई भी बटन प्रेस नहीं होती हैं तो अगेन टी सी एन टी ज़ीरो की वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगी तो ये कंडीशन अगेन आपकी ट्रू होगी तो आपका ये जो पल्स है यहाँ से अगेन लो हो जाएगी और ये तब तक लो रहेगी जब तक आप लोगों के टी सी एन टी ज़ीरो की वैल्यू वन नाइन्टी टू नहीं हो जाती तो ये आप लोगों की 191 तक लो रहेगी फिर अगेन 192 होते ही ये हाई हो जाएगी फिर अगेन लो होगी तो इस केस में आप लोगों का यहाँ पर जो ड्यूटी साइकिल है वो समथिंग अराउंड 25% परसेंट मिलेगी ओके तो इसके बाद सपोज करते हैं हम लोगों ने बटन वन को अगेन सेकेंड टाइम प्रेस किया तो उस कंडीशन में आप लोगों की ये जो कंडीशन है वो ट्रू होगी तो यहाँ पर हम लोगों का जो काउंट की वैल्यू है वन उससे हम लोग 64 को फिर से सब्ट्रेक्ट करेंगे तो यहां से आपकी जो वैल्यू है अगेन वो 128 आएगी तो अब आपके जो अकाउंट है उसकी वैल्यू 128 हो चुकी है अब यहां पर अगेन हम लोग चेक करेंगे ये वैल्यू कहीं जीरो से बिलो तो नहीं चली गई तो नहीं गई है तो अगेन आप लोगों का यहां पर मेन रूटीन में आएगा अब मेन रूटीन में आपका जो अकाउंट है उसकी वैल्यू वन हो चुकी है तो यहां पर आप लोगों के टी सी एन टी जीरो की वैल्यू जब तक 127 रहेगी तब तक आपका जो पल्स है वो लो होगी और जैसे ही ये वैल्यू 128 हो जाएगी वैसे आप लोगों का जो पल्स है वो हाई हो जाएगी तो यहां पर आप लोगों का जो ड्यूटी साइकिल है वो समथिंग अराउंड 50 परसेंट मिलने लगेगा ओके okay? सो so, इसके बाद सपोज करते हैं हम लोगों ने थर्ड टाइम इस बटन को प्रेस किया तो थर्ड टाइम अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो अगेन यहाँ पर 128 में से माइनस होगा 64 तो आप लोगों की यहाँ पर जो वैल्यू है वो 64 बचेगी काउंट की वैल्यू और अगेन आप लोगों का यहाँ पर ये फॉल्स होगा तो ये मेन में आएगा तो यहाँ पर आप लोगों का वैल्यू 64 हो चुकी है तो यहाँ पर आपका जो पल्स जनरेट होगी उसकी ड्यूटी साइकिल 75 परसेंट हो जाएगी ओके और इसके बाद अगेन अगर आप इसको फोर्थ टाइम प्रेस करते हैं तो आपकी यहाँ पर जो काउंट है इसकी वैल्यू जीरो हो चुकी होगी ये वैल्यू आप लोगों की यहाँ पर ज़ीरो हुई तो मेन में जो आप लोगों का यहाँ पर पल्स जनरेट होगी वो ड्यूटी साइकिल उसकी हंड्रेड रहेगी ठीक है तो सपोज़ करते हैं यहाँ पर हम लोगों ने बटन को फिफ्थ टाइम अगर प्रेस किया तो उस कंडीशन में आप लोगों के काउंट की वैल्यू माइनस हो जाएगी 64 से तो यहाँ पर ये यह जो वैल्यू है आप लोगों की माइनस सिक्सटी हो जाएगी और अगेन हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे इस कंडीशन को तो यहाँ पर ये यह कंडीशन हम लोगों की ट्रू होगी क्योंकि आपका जो काउंट है उसकी वैल्यू बिलो जीरो है तो इस कंडीशन में बेसिकली आपको करना क्या है कि आपको अपनी जो वैल्यू है काउंट की उसको ज़ीरो तक ही मेंटेन रखना है तो आप लोगों की अगर वैल्यू बिलो जीरो होती है तो इसको आप ज़ीरो ही रखेंगे और अगेन इसके बाद आप लोगों का यहाँ पर मेन रूटीन एग्जीक्यूट होगा और अगर आप यहाँ पर सिक्स टाइम भी अगर बटन को प्रेस करेंगे तो अगेन आपकी यहाँ पर जो वैल्यू है वो जीरो से सिक्सटी फोर आएगी और अगेन वो जीरो हो जाएगी तो ये आप लोगों की जीरो ही मेंटेन रहेगी तो इस कंडीशन में आप लोगों की यहाँ पर जो ड्यूटी साइकिल है हंड्रेड आपको मिलने लगी है अब इसके बाद अगर ये जो ड्यूटी साइकिल है इसको आपको डिक्रीज करना है तो उसके लिए आप लोगों को बटन टू का यूज़ करना है ओके okay, सो so अगर आप फर्स्ट टाइम बटन टू को प्रेस करेंगे तो उस कंडीशन में आप लोगों का जो काउंट है उसकी वैल्यू में हम लोग सिक्सटी फोर एड कर देंगे तो इनिशियली यहां पर जो वैल्यू है वो जीरो है तो जीरो में अगर आप सिक्सटी फोर एड करेंगे तो ये सिक्सटी फोर हो जाएगा तो सिक्सटी फोर यहां पर वैल्यू हुई तो हम काउंट करेंगे ये वैल्यू कहीं टू फिफ्टी सिक्स से ज्यादा एक्सीड तो नहीं कर रही है अगर ये नहीं करेगी तो आप अगेन यहां पर मेन रूटीन में आ जाएंगे मेन रूटीन में आप लोगों के काउंट की वैल्यू यहाँ पर 64 हो चुकी है तो यहाँ पर आप लोगों की जो ड्यूटी साइकिल होगी वो 75 हो जाएगी और अगेन अगर आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये आप लोगों का 64 में 64 ऐड होगा अगेन तो ये वैल्यू आप लोगों की 128 होगी तो इस केस में आप लोगों का यहाँ पर जो ड्यूटी साइकिल है वो 50 परसेंट हो जाएगी अगेन अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो ये जो वैल्यू है आपकी वन होगी तो यहाँ पर आप लोगों का जो वैल्यू है ड्यूटी साइकिल की वो 50 परसेंट हो जाएगी और अगेन अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये जो काउंट की वैल्यू है वो आप लोगों की 256 हो जाएगी और 256 वैल्यू होते ही अगेन आप लोगों का यहाँ पर जो ड्यूटी साइकिल है वो जीरो परसेंट हो जाएगी इसके बाद अगर आप लोग फिफ्थ टाइम इस बटन को प्रेस करेंगे तो आप लोगों के जो काउंट है इसकी वैल्यू टू से एक्सीड कर जाएगी तो ये कंडीशन अगर आपकी ट्रू हुई तो आप उसको अगेन टू ही मेनटेन करके रखेंगे और अगेन आप लोगों का यहाँ पर ये मेन रूटीन एग्जीक्यूट होगा तो ये हम लोगों के टास्क का फ्लो चार्ट है अगर आप लोगों को ये समझ आ गया तो आप लोग इजीली इसको प्रोग्राम कर सकते हैं तो नेक्स्ट हम लोग अपने प्रोग्राम को देख लेते हैं तो प्रोग्रामिंग में सबसे पहले हम लोगों को अपने सी की फ्रिक्वेंसी डिफाइन करनी होती है मैं यहाँ पर फिलहाल 12 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी यूज कर रहा हूँ तो उसके लिए आप लोगों को हैश डिफाइन एफ अंडो इसको सी पी यू वन टू जीरो 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 यू एल लिखना है यू एल यहाँ पर बेसिकली आप लोगों का अनसाइंड लॉन्ग इंट है ओके okay? इसके बाद आप लोग यहाँ पर ए वी आर स्लैश आई ओ डॉट एच नाम की हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर इंटरप्ट को यूज़ करना है तो उसके लिए आप लोगों को ए वी आर स्लैश इंटरप्ट डॉट एच नाम की हेडर फाइल इंक्लूड करनी है नेक्स्ट इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर डिले की भी ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए हमको यहाँ पर यूटी स्लैश डीले डॉट एच नाम की हेडर फ़ाइल भी इंक्लूड करनी है इसके बाद हम लोगों ने साइंड लॉन्ग इन टाइप का एक वेरिएबल लिया है और इसका नाम आप लोगों ने काउंट रखा और इनिशियली इसको जो वैल्यू दी है वो टू फिफ्टी सिक्स दी इसके बाद हम लोगों ने अनसाइंड इन टाइप के दो वेरिएबल्स लिए हैं और इनका नाम बटन वन और बटन है और ये जो दो वेरिएबल्स हैं, ये बेसिकली आप लोगों के जो बटन्स का स्टेटस होगा उसको स्टोर करेंगे इसके बाद हम लोगों के पास यहां पर मेन फंक्शन है मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम लोग डी डी आर सी इज इक्वल टू जीरो करेंगे यहां पर बेसिकली हम लोग पीसी जीरो और पीसी वन में अपने दो बटन्स को कनेक्ट करने वाले हैं और ये जो बटन्स हम लोगों के होंगे ये एज अ इनपुट यूनिट काम करेंगे तो आप लोगों को इन दोनों लाइंस को एज़ इनपुट लाइन डिफाइन करना है तो उसके लिए आप लोगों ने यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो ज़ीरो दी हैं इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर डी डी आर बी इज इक्वल टू जीरो एक्स जीरो सिक्स लिखा है या फिर आप इसको बाइनरी में कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं और यहाँ पर बेसिकली हम लोग पी बी वन और पी बी टू के बीच में अपनी मोटर को कनेक्ट करने वाले हैं तो इसके लिए आप लोगों ने इन दोनों लाइंस को एज आउटपुट लाइन डिफाइन करना होगा तो उसके लिए आप लोगों ने यहाँ पर जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ uh, थी इनको वन और वन किया है नेक्स्ट इनिशियली हम लोगों को अपनी मोटर को ऑफ रखना है तो उसके लिए आप लोगों ने यहाँ पर पोर्ट बी में ऑल ज़ीरोज़ दिए हैं इसके बाद हम लोगों को अपने टाइमर ज़ीरो के लिए क्लॉक सोर्स सेलेक्ट करना होता है और अपने प्री स्केलर को डिफाइन करना होता है तो उसके लिए आप लोगों ने यहाँ पर टी सी सी आर ज़ीरो जो रजिस्टर है उसकी ये जो दो बिट्स होती हैं इनको सेट किया नेक्स्ट इनिशियली आप लोगों को यहाँ पर अपने टाइमर काउंटर को ज़ीरो जीरो वैल्यू देनी होती है तो ये आप लोगों ने टी सी एन टी ज़ीरो में दिया है इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर अपने लोकल इंटरप्ट को इनेबल करना है तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर टी आई एम एस के रजिस्टर में ये जो बिट है इसको सेट करना पड़ेगा इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों को यहाँ पर ग्लोबल इंटरप्ट को इनेबल करना है तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर एस सी आई नाम का जो फंक्शन है इसको कॉल किया है इसके बाद हम लोगों के पास एक इनफाइनाइट लूप है और इस लूप में हम लोग टी सी एन टी जीरो की वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं काउंट की वैल्यू से जब तक आप लोगों के टी सी एन टी जीरो की वैल्यू लेस देन काउंट रहेगी तब तक पी बी वन में हम लोगों की जो पल्स है वो लो रहेगी और जैसे ही आप लोगों का टी सी एन टी जीरो की वैल्यू ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू काउंट हो जाएगी उस कंडीशन में हम लोग पी बी वन की वैल्यू को हाई कर देंगे इसके बाद हम लोगों के पास टाइमर ज़ीरो ओवरफ्लो इंटरप्ट का आई एस आर है यहाँ पर बेसिकली हम लोग जो भी बटन्स का स्टेटस है उसको बटन वन और बटन टू नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर अपने बटन वन की कंडीशन को चेक करना है अगर आपका बटन यहाँ पर प्रेस होगा तो उस केस में हम लोग यहाँ पर पोर्ट बी में 0x00 लिख रहे हैं देखिए इस लाइन को लिखने के पीछे हम लोगों का कुछ एक रीज़न है मैंने आपको बताया था जब भी हम लोग आई को एग्जीक्यूट करते हैं उससे पहले मेन में जो भी आप लोगों की ऑन इंस्ट्रक्शन थी वो वहीं पर पॉज हो जाती है तो यहाँ पर होगा क्या सपोज करते हैं हम लोगों का यहाँ पर पल्स हाई थी और इस बीच में आपका आई एस आर एग्जीक्यूट होना है, स्टार्ट हुआ तो बेसिकली यहाँ पर होगा क्या जब तक आपका आई एस आर एग्जीक्यूट होगा तब तक हम लोगों की ये जो पल्स है वो हाई ही रहेगी ठीक है तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर हम लोग एक डीले दे रहे हैं 250 फिफ्टी मिली सेकेंड्स का और इसके बाद आपका ये जो आई एस आर है वह एग्जीक्यूट होने में भी कुछ टाइम लगाएगा तो इस बीच में आप लोगों का यहाँ पर जो पल्स है वो हाई ही रहेगी तो यहाँ पर बेसिकली होगा क्या हम लोगों की जो वे फॉर्म है वो 100 परसेंट ड्यूटी साइकिल पर चलने लगेगी जो कि प्रैक्टिकली बिल्कुल गलत होगा तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया पोर्ट बी की जो वैल्यू है वो ज़ीरो ज़ीरो कर दी तो इससे होगा क्या आप लोगों का जो भी यहाँ पर स्टेटस चल रहा था पल्स का वो लो रहेगा जब तक कि आपका आई एस आर एग्जीक्यूट नहीं हो जाता तो उस बीच में होगा क्या आप लोगों का यहाँ पर जो ड्यूटी साइकिल है वो ज़ीरो हो जाएगी और जो भी आप लोगों की मोटर चल रही होगी या फिर आपका जो एल ई डी चल रही होगी वो भी उस बीच के लिए ऑफ रहेगी इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर एक डिले दिया हुआ है टू फिफ्टी मिली सेकेंड्स का ये बेसिकली हम लोगों के बटन्स का डिबाउंस टाइम होता है अलग अलग बटन्स का यहाँ पर अलग अलग डिबाउंस टाइम हो सकता है तो आप लोगों ने यहाँ पर इसकी वैल्यू को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ सकता है ठीक है इसके बाद अगर आपका बटन वन प्रेस रहता है तो आप लोगों को काउंट की वैल्यू को सप्ट्रैक्ट करना होता है बाय 64 तो ये आप लोगों ने यहाँ पर किया है और अगेन हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे काउंट की वैल्यू कहीं बिलो ज़ीरो तो नहीं गई अगर वो वैल्यू आपकी बिलो ज़ीरो होगी तो उसको आप अगेन ज़ीरो कर देंगे सिमिलरली हम लोग यहाँ पर अपने बटन टू के स्टेटस को भी चेक करेंगे अगर वो आपकी ऑन हुई तो उस कंडीशन में हम लोगों को पोर्ट बी में ज़ीरो एक्स जीरो जीरो लिखना है फिर यहाँ पर आप लोगों का ये डिबाउंस टाइम आएगा और अगर आपकी बटन टू यहाँ पर प्रेस है तो उस कंडीशन में हम लोगों को काउंट की वैल्यू को काउंट प्लस सिक्सटी फोर करना है और अगर आपके काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन टू फिफ्टी सिक्स होती है तो उसको अगेन आप लोगों को टू फिफ्टी सिक्स में ही रखना है तो ये आप लोगों का प्रोग्राम है टास्क का इसको हम लोग यहाँ से बिल्ट कर लेते हैं सो so, बिल्ट हो चुका है हम लोगों का प्रोग्राम तो नेक्स्ट हम लोग इसको सिमुलेट करके देख लेते हैं आपको यहाँ पर डबल क्लिक करना है और इसके बाद जो भी आपकी एक्स फाइल होगी आप उसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ओके प्रेस करेंगे सो so, नेक्स्ट हम लोग अपने एनिमेशन को यहाँ से प्ले करते हैं मैं इसको थोड़ा सा ज़ूम इन कर लेता हूँ तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर हम लोगों को एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है और यहाँ पर जो मोटर है वो भी आप लोगों की रोटेट नहीं हो रही है मतलब कि यहाँ पर हम लोगों का जो ड्यूटी साइकिल है वो ज़ीरो परसेंट है अब इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर बटन को प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं आप लोग जैसे ही हम लोगों ने इस बटन को प्रेस किया आप लोगों को यहाँ पर ट्वेंटी फाइव परसेंट ड्यूटी साइकिल मिलने लग गई और हम लोगों का ये जो मोटर है वो रोटेट होने लग गई बट ये स्पीड आपकी काफ़ी कम है इसके बाद अगर अगेन मैं इसको प्रेस करूँ तो आप लोगों का यहाँ पर जो पल्स की विट थी वो बढ़ गई मतलब कि आपका ड्यूटी साइकिल समथिंग अराउंड फिफ्टी परसेंट हो गया और आप लोगों की यहाँ पर जो मोटर है वो भी थोड़ा सा फास्ट घूम रही है अगेन अगर मैं इसको प्रेस करूंगा तो आप लोगों का यहाँ पर ये सेवेंटी फाइव परसेंट हो गया आपकी स्पीड भी यहाँ पर बढ़ गई अगेन अगर इसको हम प्रेस करते हैं तो आप देख पाएंगे ये हम लोगों का यहाँ पर जो पल्स थी वो हमेशा के लिए हाई रहेगी और आपका यहाँ पर जो मोटर की स्पीड है वो भी एकदम हंड्रेड परसेंट रहेगी इसके बाद अगर मैं अगेन इसको यहाँ से प्रेस करूँ तो भी आप लोगों का यहाँ पर ये यह हमेशा हाई ही रहेगा अब इसके बाद अगर आप लोगों ने अपनी ड्यूटी साइकिल को डिक्रीज करना है तो जो दूसरी बटन है हम उसको प्रेस करेंगे तो अगर मैं इसको यहाँ से प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं हम लोगों का यहाँ पर जो ड्यूटी साइकिल है वो 75 परसेंट हो गई और आपका जो मोटर है उसकी स्पीड भी थोड़ा सा कम हो गई है अगेन अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो ये आप लोगों का 50 परसेंट ड्यूटी साइकिल हो जाएगा और अगेन अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो ये आपका 25% हो गया और फिर से अगर मैं इसको प्रेस करूं तो ये आप लोगों का ड्यूटी साइकिल 0% हो गया सो so, नेक्स्ट हम लोग इसको अपने हार्डवेयर में इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं देख सकते हैं आप लोग ये हम लोगों का एटमेगा एट डेवलपमेंट बोर्ड है इसके बाद मैंने यहाँ पर एक नाइन वोल्ट की मोटर ली है और इसको हम लोगों ने पी बी और पी बी से कनेक्ट किया हुआ है इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर दो बटन्स लेने हैं एक आपका पी सी जीरो से कनेक्टेड है और दूसरा जो है वो पीसी सी वन से कनेक्टेड है तो जब भी हम लोग यहाँ पर इस बटन को प्रेस करेंगे उस कंडीशन में हम लोगों का जो ड्यूटी साइकिल है वो इंक्रीज होगा और आप लोगों की जो मोटर है इसकी स्पीड इंक्रीज होगी और जब आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ पर ड्यूटी साइकिल डिक्रीज़ होगा और मोटर की स्पीड भी डिक्रीज होगी तो इनिशियली यहाँ पर हम लोगों का जो ड्यूटी साइकिल है वो जीरो परसेंट है तो इसके लिए आपका यहाँ पर मोटर भी स्टॉप कंडीशन में है तो यहाँ पर हम इसको प्रेस करके देखते हैं सबसे पहले अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे हम लोगों की मोटर यहाँ पर रोटेट होनी स्टार्ट हो चुकी है मतलब कि यहाँ पर हम लोगों का जो ड्यूटी साइकिल है वो ट्वेंटी फाइव परसेंट हो चुका है इसके बाद अगर मैं इसको अगेन प्रेस करूँ तो आप देख पाएंगे स्पीड थोड़ी सी और बढ़ गई है और बेसिकली यहाँ पर जो ड्यूटी साइकिल है वो हम लोगों की ट्वेंटी सॉरी फिफ्टी परसेंट हो चुकी है इसके बाद अगेन अगर मैं इसको प्रेस करूंगा तो आप देख पाएंगे स्पीड और ज़्यादा बढ़ गई है और यहाँ पर हम लोगों की जो ड्यूटी साइकिल है वो सेवेंटी फाइव परसेंट हो गई है अगेन अगर मैं इसको प्रेस करूँ तो आप देख पाएंगे ये हंड्रेड परसेंट ड्यूटी साइकिल है और आपकी जो मोटर है वो फुल स्पीड में रन हो रही है ओके इसके बाद हम लोग यहाँ पर इस बटन को प्रेस करके देखते हैं बेसिकली इससे हम लोगों का जो ड्यूटी साइकिल है वो डिक्रीज होगा और आपके मोटर की स्पीड कम होगी जब हम इसको चार बार प्रेस करेंगे तो आप लोगों की मोटर जो है वो स्टॉप हो जाएगी मतलब कि यहाँ पर ड्यूटी साइकिल आपकी ज़ीरो हो जाएगी तो देखते हैं सबसे पहले मैं इसको प्रेस करूँगा तो यहाँ पर स्पीड जो है वो सेवेंटी फाइव परसेंट हो जाएगी अगेन मैं इसको प्रेस करूँगा तो यहाँ पर स्पीड जो है आपकी वो फिफ्टी परसेंट हो जाएगी अगेन प्रेस करने पर ये ट्वेंटी फाइव परसेंट हो जाएगी और अगेन हम लोग इसको फोर्थ टाइम प्रेस करेंगे तो ये जीरो परसेंट हो जाएगी इसके बाद अगेन अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो भी आपको यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा सो आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ आ गई होंगी फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं सो so, बने रहिएगा आप लोग मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ आप लोग जरूर शेयर करें जो इस टेक्नोलॉजी को सीखना चाहते हैं सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जय हिंद जय भारत